आइए हम लोग फिर से अपने से चिंतन और मनन में लगें हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं या कहीं पर भी हो पृथ्वी पर किसी भी जगह हो या ऐसे एक सूक्ष्म जगत थे उसमें जितने लोग हैं जो यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सबका एक ही लक्ष्य है कि सभी दुखों से निवृत्त कैसे हूं दुख क्या होता है अगर हम कुछ करना चाहते न कर पाए तो दुख है हिम्मत बांधते हैं करने के लिए तैयार होते हैं करने भी लगते हैं अचानक चले गए कोई न कोई आपदा आती है पता चला कि पृथ्वी से अदृश्य जगत में चले गए तो जो करना चाह रहे तो हुआ नहीं तो जो प्लानिंग किए थे वो तो सही नहीं था आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये खोज कर रहे थे कि जितनी शक्तियां हैं सबका केंद्र एक है चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो इलेक्ट्रिकल हो कोई भी शक्ति हो सबका एक केंद्र वहीं से सब शक्तियां आती हैं अनुसंधान नहीं कर पाए और चले गए दृश्य जगत से कहीं अदृश्य हो गए ऐसे कोई लक्ष्य बनाता है कितने लोग बीमार हैं बड़े परेशान हैं बहुत तकलीफ है हम अच्छे डॉक्टर होंगे अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं इलाज भी बहुत अच्छी तरह करते हैं पैसे के लिए इलाज नहीं करते हैं जिसके पास पैसा नहीं फ्री करते हैं तब भी इच्छा थी कि सबके कष्ट को दूर करें बीमारी दूर करें नहीं हो पाया अचानक छोड़ के चले गए ऐसे यहाँ से जाने के लिए पता चला कोई बीमार था साधन नहीं था साधन के अभाव में अस्पताल पहुंच नहीं पाया और मर गया तब तो संसाधन जुटाने का पता चला कि कार महंगी है मोटरसाइकिल भी महंगी है साइकिल पर मरीज ले नहीं जा सकते तैसा अनुसंधान करें कि सस्ती कार हो गांव और शहर में हर जगह चल सके चलो किया हुआ लेकिन उससे अगर मरीजों को अस्पताल पहुंचा भी दिया गया वो मरीज बच भी गए तो जो मरीज बच गए फिर वापस आए क्या उनके सभी दुख समाप्त हो गए नहीं जो व्यक्ति इंजीनियर बना सस्ती और अच्छी कार बनाया लोगों की सेवा के लिए और खूब बनाया बहुत सस्ते में बेचा भी हर जगह उपलब्ध हो गई तो जो कार बनाने वाला था क्या उसका दुख खत्म हो गए आपको उत्तर मिलेगा नहीं तो सब दुखों से निवृत्ति होगी कैसे अगर हम क्रिया के माध्यम से सभी कष्टों को दूर करने का संकल्प ले काम हुआ है हम क्रिया के माध्यम से जुकाम ठीक करेंगे बुखार हुआ है पेट की गड़बड़ी या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज गठिया कोई भी तकलीफ है जिसे शारीरिक कहते हैं मानसिक चिंता डर भय अज्ञानता पता नहीं कि भविष्य क्या होगा इस सभी प्रकार की समस्याओं को जब हम क्रियायोग से ठीक करने का संकल्प लेंगे तब तो सभी दुख समाप्त हो जाते हैं अगर और कोई संसाधन अपनाते हैं तो फिर ये तो काम कर नहीं पाते हैं कोई भी तरीका अपनाइए काम अधूरा छूट जाता है और हम चले जाते हैं अगर हमने क्रियायोग को ले लिया सभी प्रकार की समस्याओं को क्रियायोग से दूर करेंगे हम तो एक ही जन्म में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं हमारा मन है कि यहीं बैठे भी रहें और तुरंत चले जाए जहां चाहें वहां चले जाए एक साथ हम चाइना भी जाएं, जापान भी जाएं, अमेरिका भी जाएं, कनाडा जाएं, एक साथ हर जगह चले जाएं। इस समस्या को क्रिया ध्यान से दूर करिए और दूर कर लेंगे वरना अपने यहाँ हवाई जहाज रखिए हेलीकॉप्टर रखिए तुरंत हवाई जहाज में बैठिए और उड़ान भरिए कुछ भी कर लीजिए लेकिन ये दुख नहीं जाएगा कैसे हम हर जगह हर समय पहुंच जाए हम पेड़ों के बारे में जान लें पेड़ों को क्या कष्ट है वो दूर करें सारे जीव जंतु के मानों के कैसे दूर करेंगे कुछ भी कर लीजिए संभव नहीं है अगर क्रियायुगन से हम सबके कष्ट को दूर करने का संकल्प ले लिए तो ये संभव है ये तो जितने प्रकार की समस्याएं हैं जीवन में अगर हम क्रियायोग के द्वारा दूर करने का संकल्प लें तो हमारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे अच्छी तरह से याद रखिए जब क्रिया का अभ्यास करते करते चाहे खेत की गुड़ाई कर रहे हों चाहे कुछ भी कर रहे हो, जानवरों को चारा दे रहे हो, या कुत्ते को घुमाने जा रहे हो, या परिवार में किसी की सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रत्येक कर्म के समय अगर आप ये अनुभव कर लिए कुछ दीक्षा वाली क्रिया भी कर रहे हैं श्वास में एकाग्रता भी कर रहे हैं जिसको मेडिटेशन और ब्रथ कहते हैं भ्रमध्य साधना भी कर रहे हैं ओम साधना भी कर रहे हैं सब दीक्षा वाली क्रिया जितनी है सब कर रहे हैं परावस्था तक बस यही जानना है कैसे जानेंगे करते जाइए करते जाइए उठते ही आंख तो दिमाग तो पचीस जगह क्रिया ऊपर है ही नहीं जब कोई झंझट आ गई क्रिया से दिमाग हट गया तो अगर हम चाहते कि सभी दुखों से निवृत्ति मिले केवल एक ही साधन है क्रिया योग आप करिए ऐसा पाएंगे कि होता है हम लोग आल्टर का प्रैक्टिस करते हैं